अयोध्या में राम मंदिर को बने अभी साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इसके रखरखाव को लेकर शिकायत आने लगी है। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सोमवार को कहा था कि पहली बारिश के बाद गर्भगृह की छत से पानी रिस रहा है। हालांकि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में ये बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ, जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। आचार्य सत्येंद्र दास के दावे के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर की छत का मुआयना किया। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन की वजह से पानी लीक हो रहा है। दूसरी, जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था। चूँकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके जरिए गया। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर अफसर महीने में दो बार मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेते हैं। इस दौरान देखा जाता है कि काम सही दिशा में चल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है।